एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, कई जन्म भाई कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरप होयो, कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया, कई जन्म तक ये जीवात्मा कीट पतंगा बना, कई जन्म हाथी मृग और हिरण बना, कई जन्म घोड़ा बैल, कई जन्म वृक्ष लता, हे जगदीश्वर इस बार फिर से हमें मनुष्य का ये तन मिला है, इसमें कृपा करके तुम हमसे आके मिल जाओ। बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, किसी जन्म में सतगुरु मिलते हैं, परमात्मा का रास्ता मिलता है, रास्ता भी मिले तो आदमी से उस पर चला नहीं जाता, मन उसको भटकाता रहता है। वो प्रभु परमेश्वर कृपा करे तो मोक्ष प्राप्त होता है। पुनर्जन्म के विषय में आज हमारे साथ हैं परम ब्रह्म, जो गुरु दरबार के ही सेवक हैं, और इनको अपने पिछले कई जन्म याद हैं, एक दो के बारे में हम इनसे पूछेंगे और इन्हीं के मुख से सुनेंगे। तो आप बताओ अपने पिछले जन्म के बारे में। एक दिन गुरुजी मैंने अर्धचेतन अवस्था में देखा कि एक महल है जो खंडर जैसा है, और उस महल से किसी व्यक्ति के चीखने की करहाने की आवाज़ें लगातार आ रही हैं। तो मैं उत्सुकतावश उस महल में गया, तो उस महल की सीढ़ियों पे चढ़ के मैंने देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है और उसकी बहुत ही बुरी हालत हो रही है। जगह जगह से खून निकल रहा है उसके शरीर से, कुछ सोने के आभूषण भी उसने पहन रखे हैं जी। तो मैं जैसे ही उसके पास गया, उसने मेरा कस के हाथ पकड़ लिया, बोला मुझे बचाओ, मेरी मुक्ति कराओ, किसी भी तरह मेरी मुक्ति कराओ। तो मैंने उससे पूछा कि मैं आपकी मुक्ति किस तरह करा सकता हूँ। तो उसने बताया कि बहुत पहले की बात है, राजस्थान में कोई रजवाड़ा हुआ करता था और वहाँ का वो राजा था, और मैं उस व्यक्ति के राजमहल में राजपुरोहित था। तो उसने एक किला भी मुझे दिया था उस समय पर रहने के लिए। और कुछ होते हैं लोग ऐसे जो ईर्ष्यावश षड्यंत्र रचते रहते हैं, और उनकी बातों में आके उसने मेरी हत्या करा दी थी, और उस के कारण उसकी हजारों वर्षों से वो उसी यातना में था। तो मैं सुबह उठा, मैंने गुरु चरणों में उसके लिए प्रार्थना की। उसके दो या तीन दिन के बाद वो मुझे फिर दिखाई दिए, और बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक एक माला ले रखी है उन्होंने, शायद सच्चे मोती की होगी, वो मुझे दे के वो चले गए। तो उससे ये जाहिर होता है कि उनको ईश्वर का रास्ता मिल गया जी, है जी, वो गुरु चरणों में आ गए और फिर पार ब्रह्म परमेश्वर का मंत्र उनको प्राप्त हो गया जी, बिल्कुल। तो उनकी सदगति हो गई। तो एक तो ये जन्म रहा जी, और इसके अलावा जो हापुड़ की तरफ तुमने बताया था जी, उस जन्म में मैं एक ब्राह्मण परिवार में था, और बचपन से ही मैं ईश्वर आराधना करता था। काफ़ी विवाह के काफ़ी समय बाद तक मुझे कोई संतान नहीं हुई, और मैं संतान के लिए भी ईश्वर से काफ़ी प्रार्थना करता था, और एक पुत्र पैदा हुआ, और पुत्र पैदा होने के बाद मैं धीरे धीरे उस सांसारिक मोहमाया में मेरा मन लग गया, और ईश्वर आराधना को कहीं मैं भूल गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बस तो उसमें फिर क्या गति हुई? फिर उसके बाद
दो तीन जन्म और हुए मेरे, उसके बाद ये जन्म हुआ। अच्छा जी, वर्तमान का ये जन्म जी। है। अच्छा, एक बार तुमने बताया कि पैगंबर मूसा को तुमने देखा था और उन्होंने अपने एक पिछले जन्म के बारे में तुमको क्या बताया था, वो भी जरा बताओ। एक दिन ख्वाब की हालत में पैगंबर मूसा आए हमारे पास और उन्होंने बताया कि जो अथर्वा ऋषि हुए थे वो हम ही थे अपने किसी जन्म में। अच्छा। और उन्होंने दो सीख और दी थी मुझे कि हमेशा सच्चाई की राह पर चलना और अपने आमाल की हमेशा निगहवानी करना। आमाल मतलब जो हमारे कर्म है, हमारा जो व्यवहार है वो हमेशा ठीक रहे। अच्छा, उनकी एक दुआ है जो मुझे याद है, जब उनको ईश्वर का दर्शन हुआ था, मुझको वो प्रार्थना बहुत अच्छी लगती है, इसलिए लगभग मैं रोज ही उसको पढ़ता हूँ और मैंने वो यहाँ पे लिखी हुई भी है। रब्बिश रहली सदरी वयस्सरली अमरी वैलो लगदतम मिल लिसानी यफ कहू कौली। ऐ मेरे परवरदिगारा, ऐ मेरे परमात्मा, मेरे सीने को खोल दे जिससे तेरी रोशनी मेरे भीतर प्रवेश कर सके। जो काम तूने मुझे सौंपा है वो काम मेरे लिए आसान कर दे। मेरी जुबान की गिरहों को, गांठों को तू खोल दे जिससे मैं जो तेरे विषय में बात लोगों से कहूँ उसको वो समझ लें और मान लें। अच्छा, उन्होंने अथर्व ऋषि का जिक्र किया और अथर्व वेद जो है उसमें ज़्यादातर मंत्र अथर्व ऋषि के ही हैं। जी, तो तुम्हें एक मंत्र याद है अथर्व वेद का, वो अंतकाय मृत्यु वेदम है, वो जरा सुनाओ और उसका अर्थ अगर याद हो तो अर्थ भी बताना। ओम अंतकाय मृत्युवे नमः, प्राण अपान इहि ते रमन्ता, इहाय मस्तु पुरुष सहसुना, सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके। मृत्यु से परे ले जाने वाले उस परमेश्वर को नमस्कार है और वह परमेश्वर मेरे प्राणों में रम रहा है। अमर लोक का वह पुरुष स्वामी है, करतार है, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और रोज जो हम वो पढ़ते हैं अथर्ववेद का सूक्त हिरण्यगर्भ सूक्त, एक आध मंत्र उसका भी कोई सुना दो, पहला मंत्र ही सुना दो। ओम हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, सैदाधार पृथ्वीम द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। सृष्टि के आरंभ में जो सबसे पहले प्रकट हुआ, जो पृथ्वी सूर्य अंतरिक्ष का आधार है, आओ उस परमेश्वर की हम आराधना करें, स्तुति करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस तरह हमने देखा, देखे जो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण रहा है, पुरोहित रहा है, तो अगले जन्म में भी वो चीज़ें उसके साथ साथ रहती हैं। यदि कोई क्षत्रिय वर्ण से रहा है और उसमें लड़ाई झगड़े क्रोध ये सब है, तो अगले कई जन्मों तक वो चीज़ें उसके साथ चलती हैं। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वो प्रभु हमें ब्राह्मणत्व प्रदान करे, ब्रह्म तत्व प्रदान करे, ईश्वरत्व प्रदान करे। इस संसार में तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमारे अंदर सत्व गुण बढ़े जिससे हम उस प्रभु परमात्मा से जा मिलें और हमारी आत्मा का मोक्ष हो जाए। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार
के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा।